कैसे हो सब मेरे भाई? और क्या सब चल रहा है? आई थिंक सब कुछ बढ़िया ही चल रहा होगा। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? ये जानना बहुत ज़रूरी था। सिर्फ फार्मूला का यूज़ करके सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बच्चों वाली बात है। आपको जानना था बेसिक बातें, तो आप जान चुके हो। हमने ये बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट तीन चार तरीके से निकाला जाता है, ठीक है? तो वो मैं इसमें क्लियर डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करनी है तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है भाई मेरे, एक होता है एनुअली, मतलब साल में जब एक बार इंटरेस्ट लेता है तो, ठीक है? फिर एक होता है हाफ ईयरली, जब साल में वो दो बार इंटरेस्ट लेता है, मतलब छः छः महीने पर इंटरेस्ट ले रहा है। फिर एक होता है क्वार्टरली, जब वो साल में चार बार इंटरेस्ट लेता है तीन तीन महीने पे। तो इन सबका फॉर्मूला अलग अलग होता है, निकालने का तरीका भी अलग अलग होता है। ऐसे क्वेश्चन हम आपके एग्जाम में आते हैं, क्लास एट में भी है और नाइन में भी एक आई थिंक ये चैप्टर है, तो देख लो, ठीक है? डाउट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। एक सबसे जो इसमें डाउटफुल क्वेश्चन आता है जहाँ पे टाइम फ्रैक्शन में होता है, तो जब टाइम फ्रैक्शन में होता है वो मैं लास्ट बताऊंगा, मैंने लिखा नहीं है लेकिन लास्ट में बताऊंगा। चलो यहाँ पे इसका फॉर्मूला का डिस्कशन करते हैं। सिर्फ एक फॉर्मूला से ही सारा का सारा हम लोग डील करेंगे, है ना? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरे भाई हम लोग अमाउंट निकालते हैं, ए फॉर अमाउंट, ठीक है? अमाउंट क्या होता है? इंटरेस्ट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है? अमाउंट मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल क्या होता है? जो पैसा तुमने लिया वो प्रिंसिपल होगा। सपोज करो कि तुमने मेरे से उधार लिया 5,000 रुपये, तो मैंने तुमको 5,000 जो मैंने तुमको दिया वो क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। और वापस से तुमने मेरे को 6,000 दिया वापस, तो 5,000 प्रिंसिपल और 1,000 इंटरेस्ट हुआ, तो वो इंटरेस्ट है। तो तुमने मेरे को 6,000 दिया तो वो अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वो अमाउंट हो गया। तो इसमें ना कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला ही लगाते हैं, ठीक है? तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? देखो, ए फॉर अमाउंट, अमाउंट होता है पी इंटू 1+R/100 टू द पावर टी। ये क्या है यहाँ पे समझ लेते हैं। P फॉर प्रिंसिपल जो पैसा आपने दिया, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस रेट पे तुमको दिया है उसने पैसा उधार दिया है वो रेट हो गया, और कितने समय के लिए दिया वो T फॉर टाइम, ठीक है? R फॉर रेट, T फॉर टाइम, P फॉर प्रिंसिपल और A फॉर अमाउंट। यहाँ से आपका कैलकुलेशन हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि जब आपसे वो 6 महीने पे ही इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है? हर 6 महीने पे। तो इसमें फॉर्मूला देखो, मैं सबके लिए फॉर्मूला वही लिखूंगा, बस एक छोटा सा ट्रिक है जो तुम समझ लो, ठीक है? तो तुमको बात समझ में आ जाएगी कि कहां पे क्या करना होता है, ठीक है? मैं यहां भी वही लिखूंगा। और चेंज कैसे होगा फॉर्मूला? अपने हाथ से मैनुअली चेंज करेंगे हम लोग समझ के। अब एक बात समझो भाई मेरे, व्हेन कंपाउंडेड एनुअली मतलब क्या हुआ? पर ईयर, इसको लिखते हैं पर एनम, PA, ठीक है? साल में एक बार वो इंटरेस्ट ले रहा है। यहां पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब होता है कि 6 महीने पे, ठीक है? ये कब कब लेगा? एवरी 6 मंथ, 6 महीने पर आपको इंटरेस्ट लेगा। तो 6 महीने पर इंटरेस्ट ले रहा है तो साल में कितने बार इंटरेस्ट लेगा? साल में 2 बार लेगा, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 बार इंटरेस्ट लेगा वो। अब जब 2 बार इंटरेस्ट लेगा तो हम क्या करेंगे कि टाइम को हम 2 गुना कर देते हैं, क्योंकि एक साल में वो 2 बार इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है? मतलब अब 6-6 महीने पे, अब एक साल नहीं, अब वो 6 महीने को ही एक साल मान रहा है, तो आपके एक साल में 2-6 महीने हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2T हमने कर देना है, ठीक है? और जब भी आप टाइम को जितने से तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, रेट को उतने से डिवाइड कर दो, मतलब R/2 कर दो। ये बस याद रखना, 6 महीने पे है मतलब 6 महीने में 2, मतलब 6 महीने का क्या होता है? साल का आधा होता है, एक साल का आधा। तो अब टाइम को 2 गुना कर दो और रेट को आधा कर दो, ठीक है? फिर व्हेन कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब कितना होता है भैया? 3 महीना, 3 मंथ, ठीक है? तो 3 महीने में मतलब क्या? साल में 4 बार इंटरेस्ट लेगा, तो रेट को 4 से डिवाइड कर दो और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। बस यही सिंपल छोटी सी बात थी, बस इतना ही होता है, 6 महीना, 3 महीना और 1 साल का। फॉर्मूला देख चुके हो ना, रेट को हमेशा क्या करना है? कम करना है और टाइम को बढ़ा देना है। जितना क्वार्टर होगा उसको तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 साल में 4 क्वार्टर होता है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 साल में 2-6 महीने का होता है हाफ ईयर, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर, दैट्स इट। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? और वो फ्रैक्शन वाला भी मैं बताऊंगा लास्ट में। तो एक सपोज करो हमने एक क्वेश्चन लिया है, आपको मैं सिखाता हूँ कैलकुलेशन कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन काफी प्रॉब्लम आता है। देखो, मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल जो मैंने किसी से उधार लिया था वो है 4,000, ठीक है? 4,000 क्या हो गया? हमारा प्रिंसिपल हो गया। और हमने मान लिया कि जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर फॉर रेट, स्मॉल आर या कैपिटल आर से कोई मतलब नहीं है, आर फॉर इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? तो रेट आपका दे रहा है 10%। अब यहीं पे लिखा हुआ रहेगा, अगर पीए है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ ईयरली है तो हम यहां से फॉर्मूला यूज करेंगे, क्लियर ना?
कोई चेंज नहीं करना है हाफ ईयरली में, कोई आपको मतलब देखें मैंने बुक में देखा कि उसको हाफ ईयर में चेंज करो, डिवाइड करो, वो करो, कुछ नहीं, फॉर्मूला में हमने सब कुछ कर दिया, सब कुछ यहाँ पे पुट कर दो, सीधा सीधा आ जाएगा 10% पीए हो गया। और टाइम, टाइम इसने दे रखा है 3 ईयर्स, चलो ठीक है 3 साल के लिए। अब देखो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो मेरे को यहां से निकालना है ए फॉर अमाउंट, पी इंटू 1+R बाय 100, और इसका पावर कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पर एनम का लिया है इंटरेस्ट पे। तो देखो अभी पी कितना है भाई मेरे 4000, 1+R फॉर रेट, रेट है 10% बाय 100, और ये 100 तो फॉर्मूला में था, और टाइम आपका 3 ईयर है। ठीक है, आप कैलकुलेशन कैसे करना है, देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और तुम यहाँ पे कर लो इसका LCM, तो LCM 10 का तो ऐसे हो जाएगा, एंड 10+1 का पावर 3 हो जाएगा 4000, है ना, और ये 11 बट्टा 10 का पावर 3 हो गया, मतलब इसको 3 बार लिखना है। ठीक है, तो यहीं पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं 4000 11/10, फिर 11/10 11/10, 3 0 ये और 3 0 ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, और आपका बचा कितना 4, और इधर देख लो 11 11 121, और ये 1331 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 4 1 4 4 5324 रुपया। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, ये अमाउंट हो गया, मतलब इसमें क्या सब मिक्स है, इसमें ये जो आपका लिखा हुआ है 5324, इसमें आपका प्रिंसिपल भी है, क्योंकि अमाउंट में प्रिंसिपल भी है, इंटरेस्ट भी है। तो कोई आपसे पूछता है कि भैया आप हमारा इंटरेस्ट कितना हुआ, इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना हो गया 5324, और प्रिंसिपल था 4000, तो हमारे पास हो जाएगा 1324 रुपया हमारा इंटरेस्ट हो गया। ऐसे निकालते हैं, तो ये तो काफ़ी आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। दिक्कत कहाँ पे आता है, यहाँ पे जब रेट आपका मतलब जब 6 महीने पे प्रॉब्लम होती है, 3 महीने पे हमने लेना होता है, तो ये सब क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई हमने यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे हाफ ईयरली जो है इंटरेस्ट लग रहा है। मैंने डाटा काफ़ी छोटा लिया ताकि कैलकुलेशन आसानी से हो पाए, और हम लोग जल्दी वीडियो खत्म कर रहे हैं। मेरे को सिखाना है आपको कि कैसे कैसे हम लोग फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, यही बताना है बस। तो देखो यहाँ पे प्रिंसिपल हमने लिया 2000, ऑल राइट, और रेट है भाई 20%, रेट 20% हो गया, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो यहाँ पे ये बात लिखा हुआ रहेगा 20% है, अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो पीए में काउंट होता है, लेकिन अगर लिखा हुआ है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब यहाँ पे 6 महीने पे वो आपसे इंटरेस्ट ले रहा है, ऑल राइट। और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 1 होल 1/2 ईयर, मतलब क्या 1.5 साल। ठीक है, तो तुमको लग रहा है कि अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, बुक्स में कह रहा है कि भाई आप इसको 6 महीने में चेंज कर लो, कितने कितने चाह, चूँकि हाफ ईयरली है तो 6 महीने में चेंज करो। कोई चेंज नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, हमने यहाँ पे फॉर्मूला दे के रखा है, सीधा इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, सीधा डाटा को यहाँ पे डाल दो। ठीक है, इस डाटा के हिसाब से ही हमने फॉर्मूला लिया था, है ना। तो यहाँ पे अब देखो जैसे कि मेरे को अमाउंट निकालना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा पी इंटू 1+R/2 100 और 2t, कोई चेंजिंग नहीं, जो कुछ डाटा यहाँ पे रखा हुआ है तुम उतना लिख दो। तो P फॉर प्रिंसिपल 2000, 1+R/2, रेट कितना है, रेट 20 है, देखो रेट 20 है, तो 20/2/100, ठीक है, और पूरा का पावर 2t, तो t देखो t 1 होल 1/2 का मतलब क्या होता है 3/2, 2 1 2 1 3/2 होता है, यहाँ पे लिखना है 3/2। ठीक है, अब जरा सा गौर से देखो, बहुत कुछ कैंसिल होने वाला है, मैं रेड पेन से कैंसिल कर देता हूँ, कहाँ गया भाई, नहीं मिल रहा। देखो यहाँ पे 2 से 10 times 20, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास में डाटा क्या रह गया, अभी देखो डाटा क्या रह गया, डाटा रह गया 2000। ठीक है, और यहाँ से मैं इस 0 से इसको कैंसिल कर सकता हूँ, यहाँ पे से पूरा कैंसिल होके 20/2 मतलब 10 होता है, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 10 बचा हुआ है, इसका ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से वही बात आ रही है कि 1/, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा हुआ है, और नीचे 10 है, और यहाँ पे कितना बच गया, 3 बच गया। आपने क्या करना, तुमको LCM ले लेना है 2000, LCM 10 हो जाएगा 10+1 to the power 3, अब देखो 2000,
और यहाँ पे 11/10, 11/10 होगा, पावर 3 है, तो 11/10 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि इसको तीन बार लिखना है, 11/10, 11/10 और 11/10, 0000000 कैंसिल हो गया, क्या बच गया भाई, 2 × 11 11 11। अब इसको 2 और इसको तीन बार मल्टीप्लाई करोगे 1331 होगा, मल्टीप्लाई करोगे 2661। ये आपका क्या निकल गया, ये आपका अमाउंट निकल गया, है ना। तो ये देखो अमाउंट निकल गया, अब आप क्या कर लो कि इंटरेस्ट निकाल लो। देखो फर्क क्या होता है, मतलब सेम अमाउंट को हम हाफ ईयरली लगा दें या फिर क्या कहते हैं पर एनम पे लगा दें, तो हाफ ईयर में इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है, मतलब हाफ ईयर में आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, और ये जो आपका पर एनम होता है यहाँ पे पैसा थोड़ा सा कम लगता है, बस यही फर्क होता है और कुछ नहीं। क्वार्टरली में और ज़्यादा पैसा लग जाता है, तो क्वार्टरली में कैसे क्या करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो भाई हमने एक क्वार्टरली वाला क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। अब क्वार्टरली वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है समझो, क्वेश्चन है कि मैंने 16,000 रुपये, 16,000 मैंने किसी से उधार लिया, ठीक है। अब उसने कहा कि मेरे को 20% इंटरेस्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है 20%, और वो भी कह रहा है कि क्वार्टरली चाहिए, मतलब तीन तीन महीने पे। उसको लग रहा है कि मैं बेईमान आदमी हूँ, पैसा लेके भाग जाऊँगा, तो उसने कहा कि मेरे को हर तीन महीने पे इंटरेस्ट दे दो, और टाइम सिर्फ मैंने एक साल के लिए ही लिया था, ठीक है। तो एक साल के लिए इसलिए वो मुझसे ले रहा है तीन तीन महीने पे ले रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। अब एक बात समझ लो मेरे भाई, आपकी यहाँ पे जो हम इसका अमाउंट निकालेंगे तो तुमको कुछ करना नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं करना है इसमें, कोई कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, जो भी चेंजिंग करना था मैंने फॉर्मूला में ही चेंजिंग कर दिया, ठीक है ना। तो चलो निकाल लेते हैं इसको, अब पी पी कितना है भाई, 16,000 आपका पी है। यहाँ से देखो फॉर्मूला, ये क्वार्टरली का फॉर्मूला है, और 1 + r/4, तो 20/4 और बाय 100 और टू दी पावर कितना 4t, ठीक है। तो 4 और टाइम कितना है, टाइम तो 1 ईयर है, तो 1 ही रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई चेंजिंग नहीं करना है आपको क्वेश्चन में। आपको चेंजिंग करना है कहाँ पे, इसमें चेंजिंग करना है। अगर मे भी समझो बात को, अगर यहाँ पे टाइम दिया हुआ होता समथिंग ईयर समथिंग मंथ, तो तुम क्या करते उसको कि तुम पूरा का पूरा ईयर में ही चेंज करते। यहाँ पे टाइम जो मैंने लिया है, ये जो टाइम मैंने दिया है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, ईयर में। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, तो टाइम फ्रैक्शन में हो कुछ भी हो आप उसको ईयर में चेंज कर लो, ठीक है, ईयर में रहना चाहिए। और मंथ में है तो आप मंथ को 12 से डिवाइड करोगे, ईयर में खुद से चेंज हो जाएगा। जैसे आप बोलोगे कि 18 मंथ है, किसी ने कहा कि 18 मंथ का समय है, तो 18 मंथ अगर यहाँ पे दे देता तो मेरे लिए तो टाइम कितना है, मैंने टाइम को यहाँ पे ईयर में लिया है, लेकिन यहाँ पे तो मंथ है, मैं यहाँ पे 18 लिखूंगा तो आदमी बर्बाद हो जाएगा। क्या कर लेते हैं, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और इस मंथ को काट के क्या कर देंगे, ईयर कर देंगे, यही ईयर हो गया, ठीक है। कहने का मतलब कि आप काट लो इसको, 6 से काट दो तीन बार में और 6 से काट दो बार में, 3/2 ईयर, आप 3/2 डालो यहाँ पे, है ना। अगर यहाँ पे 18 मंथ है तो 18 मंथ नहीं डाल के ये डालेंगे, बात समझ में आ रही है ना। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं ये सारे यहाँ पे ईयर का यूज़ करना है, तुम किसी और चीज़ का यूज़ मत करने तो गलत हो जाएगा, है ना। चलो अब अच्छी बात है, यहाँ पे देखते हैं क्या करना है इसको। 16,000 देखो ये 4 से कट जाएगा भाई मेरे, 4 से कितने बार में कटेगा, 5 बार में, 4 से 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 और 5 से 20 टाइम्स कटेगा ये, और ऊपर 1 बचेगा, 4 × 1 = 4, तो आपके पास क्या बच गया, 1/1/20 to the power 4। अभी यहाँ पे एलसीएम ले लो 16,000 और यहाँ पे इसका एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, 20 + 1 to the power 4, 16,000 और 21/20 to the power 4। अब इसको 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी 16,000 है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नीचे झुकने में अच्छा नहीं लगता, 16,000 और 21/20, मैं एक ही बार लिखता हूँ, देखो 21 चार बार, 20 20 20 20 20। अब देखो 0000000 कट गया, 2 × 4 × 8 × 16, वो नीचे बदल, देखो मैंने सोच के लिया था 2 × 4 × 8 × 16, मतलब ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 16 से पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा हुआ है, सिर्फ यहाँ पे 0 बचा हुआ है, ठीक है, और ऊपर में तुम्हारा ये बचा हुआ है। तो 21 × 21 कितना होता है, 441 और फिर ये 441 और
नीचे में आपका यहाँ पे वन बचा हुआ है, टू कट गया तो जीरो, मतलब क्या यहाँ पे टेन बचा हुआ है, पूरा कैंसिल हुआ तो वन बचा हुआ है ना, वन और ये वाला जीरो बचा हुआ है, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको तो मल्टीप्लाई कर लो यार, ठीक है देखो मल्टीप्लाई करने पे इतना आएगा, ठीक है मैंने रफ में मल्टीप्लाई कर लिया और देख लो ये आपका मैटर है। मतलब आपने 16,000 रुपया लिया और आपको देना पड़ रहा है 19,448 रुपया, 0.1 है तो 1 कौन देता है भाई, बात समझ में आ रही है, ये मैटर था भाई, ये मैटर था, समझ पा रहे हो बात को। तो ऐसे हम लोग कंपाउंड जो कंपाउंडेड क्वार्टरली होता है तो ये फॉर्मूला का यूज़ करते हैं चेंज करना। अब एक लास्ट जो रह गया है आपका कि जब ईयर ठीक है फ्रैक्शन में हो, कंपाउंडेड नहीं है, मतलब यहाँ पे क्वार्टरली हाफ ईयरली नहीं हो, आपका पर एनम हो, लेकिन यहाँ पे जो टाइम है टाइम, अब ये टाइम तुम्हारा फ्रैक्शन में हो जाए तो पावर फ्रैक्शन में कैसे हम लोग यूज़ करेंगे वही देख लेते हैं। तो ये जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है यहीं पे हमने उस डाउट को रखा और ये डाउट हमारा यहीं पे क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमने व्हेन टाइम इज इन फ्रैक्शन, जब टाइम तुम्हारा फ्रैक्शन में हो है ना, रेट में लिखा हुआ है 10% और कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो जब कुछ लिखा हुआ नहीं हो तो समझो कि वो पीए की बात हो रही है, पर एनम की बात हो रही है, बाकी चीज लिखा हुआ रहता है। और लाइक तो 5,000 रुपया तुमने किसी से लिया 10% रेट पे और समय है 2 whole 2/5 years। अब यहाँ पे क्या करेंगे हमारे पास, देखो प्रॉब्लम क्या होगा समझना बात को, कि हम यहाँ पे सपोज करो कि मेरे को अभी अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट क्या होता है पी इंटू वन प्लस, देखो हमारे पास अमाउंट हो जाएगा पी मतलब 5,000 इंटू वन प्लस आर बाई 100, तो आर कितना है 10/100 और पावर में टाइम आता है, तो पावर में अगर हम यहाँ पे टाइम लिखते हैं 2 whole 2/5 तो कैसे यार हम उसको कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है अगर पावर 2 है तो हम उसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, अभी पावर फ्रैक्शन में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे है ना। तो यहाँ पे कुछ ये वाला काम नहीं करना होता, देखो 2 whole 2/5 है तो होल वाले पावर को यहाँ पे छोड़ दो, तुम समझना बात को, होल वाले पावर को यहाँ पे छोड़ दो, जो 2 whole 2/5 है तो हमने होल यहाँ पे लगा दिया। और अब जो है ना फिर से ये लिखो, बीच में मल्टीप्लाई है, फिर से ये लिखो पार्ट, ठीक है लिख दिया ना, ये लिखना है सिर्फ 5,000 तो एक ही बार लिखेंगे, अब ये लिखेंगे मतलब 1 + r/100 और अब जो फ्रैक्शन बच गया था टाइम में क्या बच गया था 2/5 बच गया था, उस 2/5 को तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो 2/5, बात समझ में आ रही भाई मेरे, टाइम का जो फ्रैक्शन बचता है ना, टाइम में जो फ्रैक्शन बच गया वो इस एक्सप्रेशन को फिर से लिखो और रेट को तुम उससे मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, इतनी ही बात करनी है, बस छोटा सा बात है सीख लो तुम, ठीक है याद रह जाएगा, हमेशा याद रहेगा, 2-3 क्वेश्चन बता लेना आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे कैलकुलेशन, देखो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो गया, 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4 होता है, देखना जरा सा अब ऊपर क्या बचा 2 2 जा 4 और ये 2 2 जा 4 से ये कटेगा 25 बार में, 25 चौके 100 होता है, ठीक है 4 4 25 जा 100 तो यहाँ पे 1 बच गया है ना, ये हमने कर दिया कैलकुलेशन। अब देखो 5,000 यहाँ पे हमारे पास में है और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 + 1/10^2 और यहाँ पे बचा हुआ है 1 + 1/25, यहाँ पे पावर नहीं लगाना है, ठीक है बार बार एक्सप्रेशन में पावर नहीं लगाना है, पावर को रेट से सिर्फ मल्टीप्लाई करके छोड़ देना है। तो अब क्या करेंगे देखो 5,000 और यहाँ पे देखना जरा सा भाई मेरे, 10 से एलसीएम लोगे तो 10 + 10 = 11/10 मैं लिख ही देता हूँ यार, तुम तो लगेगा कि मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे 25 हम एलसीएम लेते हैं तो 25 + 1 हो जाता है, अभी देखो 5,000 और ये 10 + 1 = 11 हो जाएगा, 11/10 का स्क्वायर है, मतलब क्या करना है कि 11/10 और फिर 11/10 और यहाँ पे 26 हो जाएगा बाई 25। देखो भाई ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में क्या सब बच गया है, 2 बचा हुआ है और ये बचा हुआ है, तो 11 11 कितना होता है 121 होता है और बच गया 26। तो इसको मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 2 4 2 और यहाँ पे हो गया 26। अब इसको तो मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वही तुम्हारा आंसर होगा, मैं मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तुमने देख लिया ना, यही डाउट था, सबसे बड़ा डाउट यही था कि क्या होगा अगर टाइम फ्रैक्शन में हो, तो यहाँ बात समझ में आ गई है ना।
कुछ जगह पर टाइम फ्रैक्शन में होता है, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे टाइम फ्रैक्शन में था लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 2 लगा के रखा है तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं होना है। यहाँ भी टाइम अगर फ्रैक्शन में होगा तो ऑलरेडी 4 लगा हुआ है, कैंसिल हो जाएगा, है ना। लेकिन जब ऐसे टाइम फ्रैक्शन में आते हैं तो हम जब मतलब पीए हो और टाइम फ्रैक्शन में तो ये काम करेंगे। ऑल राइट, यहाँ पे ये डाउट हमारा क्लियर हो गया है ना। सिंपल इंटरेस्ट की बातें भी होंगी और आगे भाई अगर आप क्लास 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, आई डोंट केयर, मतलब मुझे बहुत केयर है आपका, ठीक है। लेकिन इसके लिए मैं कह रहा था कि आप किसी भी क्लास के हो तो आपको सारा कंटेंट यहाँ पे मिलेगा, जितने भी डाउट वाले कंटेंट है, ठीक है। वो कंटेंट जो ना बुक में क्लियर है ना टीचर पढ़ाते हैं, मैं स्पेशली उन्हीं कंटेंट पे फोकस करता हूँ कि जहाँ पे बच्चों को डाउट हो रहा है मैं पहले उसको क्लियर करूँ, क्योंकि आसान तो सब पढ़ाता है ना, डिफिकल्ट कुछ ही लोग पढ़ाते हैं, तो मैं डिफिकल्ट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबाओ ताकि जब भी वीडियोस हम डालें, जो भी वीडियो मैं डालता हूँ ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आपको मिल जाए समय से और आप इंजॉय करो उसको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, ठीक है।